जय श्री राम। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम चल रहे हैं आप सबको अपडेट देने के लिए रामपथ का। जी हाँ दोस्तों, बारिश के समय रामपथ का किस तरीके से माहौल बन जाता है वो दिखाने के लिए हम चल रहे हैं आज। जैसा कि काफ़ी तेज़ बारिश देखने को मिला है और काफ़ी तेज़ बारिश हुई भी है, तो उस बारिश में रामपथ का जो माहौल बन चुका है, रामपथ निर्माण का जिस तरीके से कंडीशन इस समय है वो दिखाने के लिए हम चल रहे हैं। अभी फाइनली हम अयोध्या जंक्शन से निकले हुए हैं, सीधा चल रहे हैं इधर, आपको टेढ़ी चौराहा की तरफ लेकर चलेंगे, फिर वहां से दिखाएंगे कि रामपथ का किस तरीके से हाल बन चुका है इस समय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में फुल सपोर्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इधर अयोध्या विकास प्राधिकरण का किस तरीके से भव्य निर्माण हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये निर्माण इसलिए हो रहा है, यहाँ पर जो घर जो दुकानें यहाँ पर बनाई जा रही हैं वो लोग आप सब देख सकते हैं कि जिन लोगों का घर मकान जिन लोगों की दुकानें सब रोड के अंदर चौड़ीकरण में आ चुकी थी, तो उन लोगों के लिए सरकार अलग से व्यवस्था कर रही है विकास प्राधिकरण का निर्माण करके। हाल ही में जल्द ही बनने वाला है विकास प्राधिकरण, करीब 90% काम यहाँ का कंप्लीट हो चुका है। और इधर देख सकते हैं आज हम आप सबको अपडेट, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि रामपथ का अपडेट देने चल रहे हैं, तो बारिश में किस तरीके का माहौल बन चुका है आइए आप लोगों को दिखाते हैं हम। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि क्या माहौल देखने को बन रहा है इस बार रामपथ का। और हालांकि बारिश के पहले ही इसको बन जाना चाहिए था, लेकिन अब बारिश आ चुकी है। अयोध्या की सड़कों का कितना बुरा हाल हो चुका है वो आज हम बारिश के समय आए हैं आप सबको दिखाने के लिए। और यहाँ पर गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है, कई लोग गिरने से बच रहे हैं तो कई लोग गिर जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारी अपडेट मैं ऐसे ही ऑन द वे ऑन द रोड देते चल रहा हूँ आप सबको। आगे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का वहाँ पर माहौल बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर अकेले आप बाइक लेकर आते हैं तो कहीं कंट्रोल कर पाएंगे, अगर आप दो तीन लोग को बाइक लेकर आ रहे हैं इस समय, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो अभी बिल्कुल मत आइए, क्योंकि किस तरीके का यहाँ पर माहौल बन चुका है और किस तरीके से यहाँ की कंडीशन है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर पाइप वगैरह अभी भी सीवर तैयार हो चुका है, सीवर के ऊपर मिट्टी भी डाल दी गई है और काफ़ी तेज़ी से निर्माण होने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए सारे जो वर्कर हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि काफ़ी तेज़ी से निर्माण हो जाए, और यहाँ पर माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने को दिख रहा है क्योंकि बारिश आ गई है। और इस रोड चौड़ीकरण में जितने भी मिट्टी गड्ढे सब कुछ थे, सब जगह पानी भर जा रहे हैं और रोड की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोग यही सोच रहे हैं, जो हमारी सरकार है गवर्नमेंट की, जल्द से जल्द ही रामपथ का निर्माण किया जाए। और सरकार के साथ साथ हमारे अयोध्या के लोग भी सोच रहे हैं कि जल्दी ही अयोध्या की जो सड़कें हैं अयोध्या की, उसको निर्माण करके जल्द ही उनके सामने लेकर आया जाए। और जो आसपास के जो घर हैं, हाउसेस हैं, उसका जो एक ही तरीके का कॉमन कोड बिल्डिंग तैयार किया जाएगा, उसको तो हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ की सबसे पहले रोड मेंटेन होनी चाहिए। तो ये रामपथ कहाँ तक है और इसका माहौल कहाँ तक ख़राब हुआ है आप लोग देख सकते हैं। अभी हम आगे चलेंगे, ये बड़ी बड़ी जो कार लेकर आ रहे हैं उन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो बाइक से चल रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और बाइक से चलिए तो सिंगल पर्सन लेकर आइए, सिंगल आप लोग बाइक से चल सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि दो तीन लोग बैठ कर आएँ तो आप स्लिप खा के गिर सकते हैं। तो इस तरीके का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है रामपथ का इस समय। तो आई होप जल्द ही रामपथ का निर्माण काफ़ी तेज़ी से तैयार हो जाए तो काफ़ी अच्छा माहौल बन जाएगा। और इधर देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर JCB का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जुटी हुई हैं। अभी बारिश की वजह से ये पानियों में रुक गई हैं, चल नहीं रही हैं, क्योंकि पानी में चलेंगी तो ये फंस सकती हैं और गड्ढे के अंदर जा सकती हैं। तो अभी इन सारी चीज़ों को बरसात के मौसम में रोका गया है, क्योंकि बरसात का आने के बाद अभी पहली बारिश शुरू हुई है तो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से कार्य जो है रामपथ का, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा रुकावट देखने को मिलती है, क्योंकि जहाँ पर मिट्टी डालना रहता है वहाँ पर पानी भर जाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर ये अभी देखिए, यहाँ पर सीवर का काम हो रहा था, इसको रोक दिया गया है। यहाँ पर जगह जगह पर और भी बोर्ड लगा दिए गए हैं कि सावधानी से, तो ये JCB आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि
जो बरसात के मौसम में जो अयोध्या की रोड की जो हालत ख़राब हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम भी होने की संभावना है और हो भी रही है। इस बरसात के मौसम में देख सकते हैं गाड़ी ठीक से चल नहीं रही है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भरमार मात्रा में यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिलेगा। अभी मेन जहाँ पर राम जन्मभूमि पथ का निर्माण हो रहा है वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। इधर देख सकते हैं किस तरीके से माहौल ख़राब हुआ है, तो जल्द ही जल्द राम पथ का जो निर्माण है उसको तैयार होकर सामने आना चाहिए, नहीं तो फिर अयोध्या में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बाहर से लोग आना बंद कर देंगे ऐसा माहौल अगर ऐसे ही ज़्यादा दिन तक राम पथ को नहीं बनाया गया। तो अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर और आपको बस राम पथ का निर्माण देखने को मिलेगा, वहाँ से राम पथ की एंडिंग हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों आगे रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रहा है, तो आप लोग संभल कर आइए और सुरक्षित रहिए, यही हमारी कामना रहेगी। तो हम चलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, आप सबसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर JCB का छोटे पैमाने में कुछ निकाला गया है, यहाँ पर इक्विपमेंट्स वो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से कार्य कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है देखने में। तो ऐसी सारी चीज़ें अयोध्या में आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा वर्कफुल भी है, जो कि अगर आपको छोटे पैमाने में कहीं पर गड्ढे वगैरह हों तो उसको आराम से ये किस तरीके से बराबर में लेकर आ रहा है। एक हिसाब से इसको JCB का छोटा बेटा भी लोग कहते हैं। तो फिर काफ़ी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स इस बार रोड चौड़ीकरण में देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से ये JCB जो है कार्य कर रहा है। आइए इसकी कुछ झलक दिखाते हैं हम आपको।